दोस्तों, इस तरह के मिनी राइस मिल मशीन खरीदकर अपने बिजनेस शुरुआत कर सकते हो और वो भी अपने घर से कम पैसों से शुरुआत कर सकते हो। गांव देहात में अधिकतर किसान केवल धान की खेती ही करते हैं। गांव देहात में धान कम दामों पर आसानी से मिल जाते हैं। शुरुआत में छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हो। इस तरह के राइस मिल मशीन भी 20-30 हज़ार रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग भी लगाने नहीं पड़ेंगे। गांव में हो तो अपने आसपास ही धान आसानी से मिल जाएंगे। बस किसानों से धान खरीदने हैं और सुखा कर कुटाई करने हैं। धान कुटाई के बाद चावल को बहुत तरह के रेसिपी बनाकर सेल कर सकते हो। दोस्तों, चावल को पिसाई करोगे तो बहुत ही बारीक हो जाते हैं, यानी चावल को पाउडर में बदलना बहुत ही आसान होते हैं। गेहूं मक्का जैसे आटे से भी जल्दी जल्दी पिसाई होते हैं। धान कुटाई करने से चावल और ज्यादा सूख जाते हैं। यही कारण है कि चावल को पाउडर में बदलना आसान होता है और इसमें से जो भूसी निकलेंगे उसे अपने आसपास ही बिक्री कर सकते हो। गांव देहात में भूसी की डिमांड बहुत होते हैं। बहुत से किसान अपने पास 2-3 गाय रखते ही हैं और लगभग सभी किसान अपने गायों को भूसी खिलाते ही हैं। दोस्तों, और जो धान बिना उबाले हुए होते हैं उसके भूसी को बकरियां भी खाते हैं। बिना उबाले हुए धान यानी बिना पकाए हुए धान से जो भूसी निकलते हैं उसमें कुछ चावल के टुकड़े होते हैं। भूसी में थोड़े चावल के टुकड़े होने से बकरियां बड़े मजे से भूसी को खाते हैं। अगर उसमें थोड़े मक्का के दर्रा मिला देने से और भी मजे से खाते हैं। दोस्तों, इस तरह के बिना उबाले हुए धान के भूसी को गांव देहात में बहुत अधिक खरीदते हैं और ज्यादा दामों में बिक्री भी होते हैं। कभी भी आपके पास स्टॉक नहीं होंगे, जैसे ही कुटाई होंगे कोई ना कोई खरीद कर ले जाएंगे। इस तरह के राइस मिल मशीन के बारे में बहुत सी जानकारियां इस चैनल पर दिए गए हैं। कैसे चलाने हैं, कैसे कुटाई करने हैं, खराब होने पर कैसे रिपेयर करने हैं, सब कुछ बताया गया है। दोस्तों, राइस धंधे शुरुआत करने के लिए ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है। 25-30 हज़ार रुपए में तो धंधा शुरू हो ही जाएंगे और 25-30 हज़ार रुपए कहीं 2-4 महीने मजदूरी करके भी आसानी से जुटाए जा सकते हैं। आजकल कहीं भी काम करो तो लगभग 500-600 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलते ही है। महीने के 15 हज़ार रुपए आसानी से बचाया जा सकता है। अगर साउथ इंडिया में काम करोगे तो इनसे भी ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, और चावल से जितने भी रेसिपी मिठाई बनाकर सेल करने चाहते हो और कुछ मालूम नहीं है तो YouTube से सीख सकते हो। आपको YouTube में राइस रेसिपी लिखकर सर्च करने हैं। जैसे ही राइस रेसिपी लिखकर सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे। बहुत तरह तरह के चावल से बने मिठाई रेसिपी बनाकर बताए गए होते हैं। ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर में पड़े सामग्री से ही तैयार कर सकते हो। दोस्तों, आप खुद ही सारे कुछ करके चावल की मिठाई बनाओगे तो आपको चावल मिठाई बनाने की लागत बहुत ही कम लगेंगे। खुद ही धान खरीदारी करोगे, खुद ही धान कुटाई करोगे और खुद ही मिठाई बनाओगे तो इस तरह आपको चावल मिठाई बनाने की कॉस्ट बहुत ही कम लगेंगे। दोस्तों, अगर आप औरों से मिठाई की रेट कम रखोगे तो आपके मिठाई बहुत तेजी से बिक्री होते जाएंगे। अपने गांव आसपास रोड होते ही है, रोड के बाजू में छोटे मोटे सेट बनाकर शुरू किया जा सकता है, और नहीं तो कुछ दूरी पर मेन रोड में जाकर ठेले लगाकर राइस मिठाइयां बिक्री करते हो तो कमाई और ज्यादा होंगे। औरों से ज्यादा मिठाई सेल होंगी क्योंकि आप औरों से कम रेट पर मिठाई बेचोगे। आजकल हर गांव में ऑटो इधर उधर चलते हुए मिलते ही हैं। अपने घर में तैयार किए हुए मिठाई और सेट बनाने वाले प्लास्टिक तंबू को आसानी से मेन रोड तक ले जा सकते हो और शाम को तुरंत समेटकर घर वापस ला सकते हो, क्योंकि ऑटो रिक्शा हर समय मिल जाएंगे।